हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जीएसटी में डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग फुल डेफिनेशंस ना लेकर के कुछ सेलेक्टेड और जो इनके लिए कहा जाता है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम लोग उनको कवर अप करेंगे। आपके मन में फिर आएगा, सर स्क्रीन पे तो डेफिनेशन ना देख करके राजीव बंसल एसपी पीडी लिखा हुआ है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, क्योंकि इनकी बुक में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस सेलेक्ट करके रखी गई हैं और बहुत लेंदी नहीं है। जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरत है और आपका काम चल जाए उतनों को ही यहाँ पे कवर अप करा गया है। इस वजह से ये स्क्रीन आपको दिखा रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट राजीव बंसल जी के लिए, और इनका ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एग्रीगेट टर्नओवर कर लिया था, और साथ ही साथ में बिजनेस की भी डेफिनेशन को हम लोगों ने कवर अप किया था। मैं दिखा देता हूँ एक बार, आपको देख करके याद आ जाएगा कि हम लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन को भी कवर अप कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए बिजनेस का पोर्शन था, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि समझ में आपको आ जाए बिजनेस, जो कि सेक्शन 217 में था। अब हम लोग आज की बात करते हैं कंसिडरेशन के लिए, जो 2 सबसेक्शन 31 में गिवन है। कुछ स्टूडेंट्स को याद करने में सेक्शन दिक्कत भी होती है, बात भी सही है कितना याद रखेंगे, मगर इत्तिफाकन की बात यह है कि आज हम कंसिडरेशन की बात करने जा रहे हैं, और कंसिडरेशन जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट 3 पर आता है। सर ये क्या मतलब? अल्फाबेट लगाइए ए बी सी, तो 3 नंबर पे आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता तो 3 के लिए, तो इसी से ही आपको हिंट मिल जाता है 31। तो कम से कम अब आप 41 और 21 तो नहीं लगाएंगे कंसिडरेशन की वजह से, तो इतना याद कर लीजिएगा, हिंट मिल जाता है 3 का और 31 सेक्शन आपका रहेगा। सर ये 2 क्या है? बेटा जितने भी आप एक्ट देखेंगे उन सब में सेक्शन 2 यूज किया जाता है डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। तो आप किसी भी एक्ट में अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 जो है वो मोस्टली डेफिनेशन को ही यूज करने के लिए दिया जाता है, तो आप इस जगह पर 2 यूज कर सकते हैं। यूज 2 करेंगे ही करेंगे, कर क्या सकते हैं, और सब सेक्शन उसका 21 हो जाता है। तो इस 31 की हम आज बात करते हैं। सभा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो कंसिडरेशन का सबसे पहले हिंदी में मतलब समझ लीजिए, या मीनिंग समझना जरूरी है। आप किसी मार्केट पे जाते हैं और आपने मान लीजिए कि स्टेशनरी परचेज करी, रजिस्टर और पेन, तो उसके रिटर्न में आप कुछ पैसा वापस करते हैं, देते हैं। सपोज करिए 100 रुपीज है, तो आप एक हाथ से तो रजिस्टर और पेन लेते हैं और दूसरे हाथ से आप उसको उसका पैसा देते हैं या फिर आगे देने का वादा करते हैं। दोनों बातें आ गई। इमीडिएटली अगर दे दिया तो हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिफल दे दिया, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रतिफल देने का वादा किया। किसी को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कंसिडरेशन पेएबल। तो दो बातें हो गई, तुरंत दे दिया तो पेड है, फ्यूचर में देने का वादा कर दिया तो पेबल है। तो जब हम कंसिडरेशन की बात करेंगे तो लेमैन लैंग्वेज में दो बातें समझ में आई आपको, कि हम खुद गए और हमने खुद जा करके गुड्स परचेज कर लिए। तो इस पार्ट में अगर मैं आपको समझाने की बात करूं तो सीधे सीधे एक तो एक पार्टी बन जाती है। कौन सी पार्टी बन जाती है सर? जो कि हमारे पास परचेजर है, जिसको हम लोग परचेजर बोलेंगे, जो परचेज करने जा रहा है। सेम उसी समय दूसरी पार्टी बन जाती है। कौन सी सर? जिसकी अपनी शॉप है, जो शॉप खोल करके बैठा हुआ है। सर ये तो घर जैसा दिख रहा है, हट है, थोड़ा सुंदर नहीं बना तो क्या हुआ, ये उसकी शॉप है। यहाँ शॉप पर आप जा करके गुड्स परचेज करते हो। एक बात तो क्लियर है कि इसके लिए आपको जाना पड़ता है शॉप पर। आप शॉप पर क्या करते हो? जाते हो, गो। और इसके साथ में ही
जब आप गुड्स को ले लेते हो स्टेशनरी, तो आपको ये पे कर देते हैं, सॉरी आप पे कर देते हैं और आप इसके अगेंस्ट में जो है रजिस्टर ले लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी स्टेशनरी, तो आपको अगेंस्ट में मिला पेन और आप जब गए और जाने पर आपने क्या कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके की पार्टी निकल करके आती है, एक चाहे आप इसको कह लीजिए वन और दूसरा आपका सेलर है। मैं समझता हूँ कि इतनी बात हर एक को समझ में आती होगी। अब आगे बात करते हैं कि सर क्या ये जरूरी है कि दो ही पार्टी हो और हर बार परचेजर जो है वो शॉप पर जाए? नहीं बेटा, इसीलिए इसका एक्सटेंशन रखा गया है। क्या एक्सटेंशन रखा गया है उसको देखिए। अभी आप खुद गए थे, अब आप परचेजर अगर खुद ना जाए, ये खुद नहीं जा रहा है इसलिए मैं इसकी इंक बदल रहा हूँ। अब इसने क्या किया, अपने घर से किसी रिलेटिव को भेज दिया या फिर अपने किसी एजेंट को भेज दिया, अगर वो ऑफिस में है अपने किसी वर्कर को भी तो भेजा जा सकता है। तो ये एजेंट जो है वो यहाँ पे जा करके प्रेजेंट हो गया और जाने के बाद में इसने इस जगह पर गुड्स को परचेज किया और ये एजेंट ला करके आपको गुड्स दे देता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरी इंक यूज करी जिसको मैं बी ऑप्शन लिख रहा हूँ, बी, कि ये भी हो सकता है कि आप ना जाएं, आपका एजेंट चला जाए और वो आपका स्टेशनरी लेकर के आ जाए, एक ये भी बात हो सकती है। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बेटा दूसरी बात ये है कि एजेंट जो गया था या आप गए थे, तो उस जगह पर जो पेमेंट की बात है, इस पेमेंट को डायरेक्टली ना यूज करें और क्या किया जाए, इस पेमेंट को डायरेक्टली ना यूज करें। हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पैसा देने का सपोज करो वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। पेमेंट का मतलब हो गया कि अभी तो हमने पेमेंट कर दिया, मगर अब हम पेमेंट नहीं करते, पेमेंट देने का हम वादा करते हैं। मीन्स इंग्लिश में अगर हम वर्ड यूज करें पेबल, कि हम आपको फ्यूचर में इसका पेमेंट कर देंगे, तब भी तो वो गुड्स आपको दे देगा। तो ये इस पे आते ही आते देखिए एक सी पॉइंट भी यहाँ पर बन जाता है। या तो पेमेंट कर दिया, आपने कर दिया, या आपका एजेंट गया तो उसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं करा तो वादा कर दिया कि हम फ्यूचर में दे देंगे। एक और ऑप्शन हो सकता है कि कुछ पोर्शन तो पे कर दिया और कुछ पोर्शन जो है फ्यूचर में पे करने को दे दिया। सर इसका क्या मतलब? सपोज करिए कि ये सारा एलिमेंट 1000 का था और इस 1000 में से आपने इमिडिएटली 600 रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो अभी कितना देना बैलेंस है 400, तो ये पेबल में चला जाएगा, फ्यूचर के पार्ट में हो जाएगा। हाँ सर, अब तो समझ में आ गया कि अगर हम अभी दे देते हैं तो पेड हो गया, फ्यूचर में दे देते हैं, देने की बात करते हैं पेबल हो गया, तो चाहे तो हम खुद जा करके दे दें, चाहे तो हमारा एजेंट जा करके दे दे। तो सर इन सब में एक बात समझ में हमें ये आ रही है कि हम जा करके दे दें, हमें यहाँ पर क्या जाना पड़ेगा हर बार शॉप के लिए? नहीं बेटा, ये एक ऑप्शन था, यहाँ जाने की बात हो रही थी, आप शॉप तक जाते हैं। उसी तरीके से एक ऑप्शन रहता है कि मार्केट खुद आपके पास चल के चली आए, ये पूरा का पूरा शॉप, ये पूरा का पूरा शॉप यहाँ से उठा और खुद वो चल करके आपके पास आ रहा है। सर चल के आ रहा है, क्या उसके पहिए लग गए हैं कि जो वो हमारे पास यहाँ पर चल के आ जाएगा और वो इस तरीके से हमारे पास चल पहिए लगे हैं जो ऐसे चल के आ जाएगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता बेटा, समझिए। अब तो डिजिटल हो चुका है ना, तो डिजिटल में शॉप डायरेक्टली आपके पास आए या आप शॉप पर जाएं, दोनों कंटेंट एक जैसे हो सकते हैं, या फिर सेल्समैन खुद आपके पास घर पे आ जाए और आकर के गुड्स दे दे। तो कहने का मतलब है कि दो पार्टियां यहाँ पर आमने सामने हैं, चाहे तो सेलर परचेजर के पास चला जाए, चाहे परचेजर जो है वो सेलर के पास चला आए, या सेलर जो है वो खुद नहीं आता,
तो अपने किसी एजेंट को एज ए सेल्समैन आपके पास पहुंचा देता है, आप उस आइटम को परचेज करते हैं। सर ये बार बार आइटम ले रहे हैं तो क्या हम आइटम पढ़ेंगे? नहीं बेटा, आइटम नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी कंसिडरेशन के लिए बात हो रही है तो इसमें हमारे पास दो बातें आएंगी। क्या आएंगी सर? एक तो गुड्स आएगी जिसको हम फिजिकली देख रहे हैं, जैसे कि आपने टूथपेस्ट परचेज किया, आपने शर्ट परचेज किया, ये गुड्स हो गया। इसी तरीके से इन सब में दूसरी बात किस चीज़ की आएगी सर? दूसरी बात इसमें सर्विसेज की आएगी। तो जब भी आइटम्स की बात हो और प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट में बात हो रही हो, तो एक तो प्रोडक्ट इटसेल्फ है जिसके लिए हम गुड्स बोलेंगे या फिर हम सर्विसेज बोलेंगे, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इन सब के बदले में जो आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न करने का मतलब जो आप पैसा दे रहे हो उसी को ही हम लोग प्रतिफल बोलेंगे हिंदी में, जो कि सेक्शन 231 है। मैंने अभी अभी ट्रिक बताई थी कि 31 को आप कैसे याद रख लेंगे। जो इन स्टूडेंट्स ने अभी लेट ज्वाइन किया है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग आज थर्ड की ट्रिक को याद कर रहे हैं। अब आते हैं आगे की बात। इन सबको अब मैं क्लियर करता हूँ और डायरेक्टली अब जो बुकिश लैंग्वेज है उसकी बात करता हूँ। ये तो पहला हो गया था विजुलाइजेशन आपको समझाने के लिए, इससे आपका कंटेंट थोड़ा क्लियर हो चुका है। नंबर वन पे आते हैं। क्या है नंबर वन? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। देखो साफ साफ लिखा है मेड, हमने पेमेंट दे दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, या और टू बी मेड, पेमेंट देने का वादा कर दिया और दे रहे हैं या किसी भी तरीके से दे दिया या फ्यूचर में दे देंगे, दोनों ही बातें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। अब ये इन्वॉल्वमेंट जो पेमेंट है सर, पेमेंट मेड है, तो मेड का क्या मतलब है? जो पे कर दिया तो हम तो एक ही बात समझते थे कि हमने इसको कैश में पे कर दिया, तो क्या ये कैश का ही मतलब है? बेटा पेड है, तो पेड में कैश तो सीधा सीधा इन्वॉल्व है जो कि हर कोई लेमैन समझ सकता है, मगर आप अदरवाइज भी पेमेंट का भी तो पार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज का मतलब है ठीक है, आपका ये गुड्स हम परचेज कर ले रहे हैं और आपको मिस्टर जड को जो लाइबिलिटीज पे करनी थी हम उसका पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी सेटलमेंट हो गया। कुल मिलाकर के समरी ये समझनी है कि जो गुड्स और सर्विसेज आपने लिए हैं उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में देने का वादा कर रहे हैं, किस तरीके से जो आपकी तरफ से रिटर्न है उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। ओके क्लास, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके वॉइस कहीं स्लो तो नहीं लग रही? ओके देन दूसरा पार्ट, ये तो हम लोगों ने पहले एक पार्ट किया, एक आवन कि मनी को हमने पे करा या अदरवाइज हम मनी की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए सारी स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं स्टोरी समझने में प्रॉब्लम हो तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, थियोरेटिकल है, कभी कभी बोरिंग भी होता है, समझता हूँ, रिवाइंड कर लीजिएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, अब जो ये पेमेंट है वो किसके लिए होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या रिस्पेक्ट ऑफ? जो आपने गुड्स लिए हैं, जो आपने सर्विसेज ली हैं, आप गए पेन रजिस्टर खरीदा तो उसके बदले में आप दे रहे हैं। सर हम तो कोचिंग पढ़ने गए थे, आप बताइए। तो बेटा कोचिंग में टीचर ने आपको सर्विसेज दी तो आप उसके ऊपर रिस्पेक्ट में पेमेंट करोगे। अच्छा सर ऐसा नहीं हो सकता दोनों बातें एक साथ हो जाए, गुड्स भी हो जाए सर्विसेज भी हो जाए? क्यों नहीं हुआ? कोचिंग गए पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर ने जब कोचिंग पढ़ाई तो उसके बदले में फीस ली तो वो तो सर्विस के पार्ट में आ गया, और साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया उसके लिए आप पेमेंट दे रहे हो, तो बेटा वो गुड्स में कॉम्बिनेशन में हो गया। तो ये जो पेमेंट है वो उसके रिस्पेक्ट में हो या फिर उसके रिस्पॉन्स के लिए हो, ये दोनों चीजें एक ही में हो गई, रिस्पेक्ट हो या उसके रिस्पॉन्स में हो, इसको आप एक कैटेगरी में रखेंगे। सर इतना टिपिकल बता रहे हैं तो क्या याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये इसका एक टिपिकल का पार्ट है कि आप उसका रिस्पेक्ट वर्ड यूज करें या फिर उसके रिस्पॉन्स में आप उसका पेमेंट करें, एक बात हो गई। अच्छा सर फिर दूसरी बात कौन सी है? जब भी बेटा दूसरी बात आएगी
तो बीच में टर्म और आएगा तभी दूसरी बात आएगी। तो दूसरी बात एक ये हो सकती है, देखो और यहाँ पर लगा हुआ है, मैं अभी जगह इंक बदल रहा हूँ ताकि और का पार्ट समझ सके। किस लिए? फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, प्राप्त जो आप कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप इसको? इसको आप प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब पहला जो टर्म है वो रिस्पेक्ट ऑफ है, रिस्पॉन्स है। दूसरा क्या चीज है, या फिर जो उसको आप दे रहे हैं किस चीज के बदले में? द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने इजी लैंग्वेज में आपके लिए वर्ड यूज करा था जिस सेलर और परचेजर, मगर इस चैप्टर में हम सेलर परचेजर्स की जगह सेल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? हम सेल की जगह पे वर्ड यूज करते हैं सप्लाई। तो ये आपका पार्ट हो गया सप्लाई। तो ये सीधा सीधा थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये उसी की बुकिश लैंग्वेज हो रही है। जैसे अभी अभी विवेक ने ज्वाइन किया तो उनको लगेगा कि अरे सर ये क्या हो रहा है, क्या है? तो विवेक घबराइए नहीं, यहाँ से आगे का कवर अप करिए और पीछे की थ्योरी और कंडीशंस मैं समझाई हूँ, उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर किसके ऊपर, थर्ड के ऊपर। ये हमारा है थर्ड पॉइंट। ये अब क्या कहता है, ये पेमेंट किस चीज से रिलेटेड है? वेदर बाय द रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था या आप खुद से जाएं, यही तो बात हो रही थी शुरू में, या तो बेटा आप खुद से चले जाएं मार्केट में, या फिर आप अपने एजेंट को भेज दें। ये अपना माइक म्यूट कर लें, जिनकी आवाज आ रही है माइक म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग डिस्टरबेंस होती है। तो अब ये पेमेंट चाहे आप करें, चाहे आपका कोई पर्सन करे, घर का बच्चा करे। कभी कभी होता है कि मार्केट में गुड्स परचेज करने गए, आप नहीं जा रहे हैं, पड़ोस में ही है, तो आपका बच्चा ही चला गया, वो गया ब्रेड खरीद लाया, उसने पेमेंट कर दिया। तो इस जगह पर आप खुद चले जाएं ब्रेड लेने, तो आपकी बात होगी, रिसिपियंट की बात होगी। आपका बच्चा चला जाए, घर की बात है, तो घर के लिए अदर पर्सन ने, मैं क्या लिख रहा हूँ, घर के लिए मैंने लिख दिया बच्चा लिख दिया। मगर क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपकी जगह जो बंदा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट्स अ एजेंट। कितने लोग पेमेंट की पार्टी में गिने जाते हैं। आगे बात करते हैं, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो सेल और परचेज का पार्ट नहीं मानी जाती, कि आपने कुछ सेल किया है या परचेज किया है, ये उसका रिटर्न है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कंसिडरेशन में एक बंदा जो कि सेलर है, दूसरा बंदा परचेजर है, वो यहाँ से यहाँ गया और जा करके उसने गुड्स खरीदे और उसके बदले में उसने पैसा दे दिया। तो जब जाएगा तो क्या देगा, वो पैसे देगा या पैसा देने का वादा करेगा। तो यहाँ पर पैसा दे दे या फिर वो उसका वादा कर दे, या फिर कुछ ऐसा सेटलमेंट कर दे कि फ्यूचर में उसकी तरफ से वो पेमेंट कर दिया जाए। मान लो कि पेमेंट मिस्टर एफ को करना था, तो फ्यूचर में जो पेमेंट है उस पेमेंट का बंदोबस्त कर दे। तो ये है बेटा आपका जो पॉइंट नंबर वन है, ये मैंने आपको पॉइंट नंबर वन बताया, वेदर इज मनी पेमेंट कर दे, वादा कर दे, फ्यूचर में ये सब चीजें दे दे। फिर अब देखिए दूसरा पॉइंट बदलता हूँ, जिसके लिए फिर से इंक बदल के रेड इंक कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा था, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ। तो अगर आपसे पूछा जाए, भैया बेटा प्रभु मालिक तुम ये सब पैसा क्यों दे रहे हो, तुम दान कर रहे हो, तुम जो पैसा दे रहे हो ये क्या दान है, या तुम पैसा देने का वादा कर रहे हो, तुम चैरिटी में दे रहे हो, तुम इसकी तरफ से फ्यूचर में किसी को पेमेंट देने की बात कर रहे हो, तो भैया चैरिटी है क्या, ये वन वे ट्रांजेक्शन है, तभी तो चैरिटी हुआ। तो आप कहेंगे नहीं, ये वन वे ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारा टू वे ट्रांजेक्शन है। कैसे टू वे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन टू वे हो गया, TRANSACTION। कैसे, हम ना उसको पैसा चंदे में दे रहे हैं, ना हम वादा कर रहे हैं भाई। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इससे ये गुड्स खरीद रहे हैं और ये गुड्स वो हमें दे रहा है। इसका मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके बदले में, इन रेस्पेक्ट ऑफ, या फिर किसके रिस्पॉन्स में,
हम इस गुड्स के रिस्पांस में हम दे रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर टू अब आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, और मैंने पूरी कोशिश करी कि रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पांस दोनों ही टर्म आपको सिखा दूं। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर थ्री पर। पॉइंट नंबर थ्री ऑलरेडी पहले स्टोरी बताई थी, मगर इसके साथ में भी आपको सिखा रहा हूँ। पॉइंट नंबर थ्री, वेदर बाय रिसिपियंट, रिसिपियंट का मतलब है, अभी अभी देसी भाषा में बताया था कि फादर खुद चले जाएं, फादर खुद चले जाएं मार्केट में लेने के लिए ब्रेड, या फिर अपने सन को भेज दें। अगर घर की बात है तो फादर सन डॉटर चले गए, ऑफिस की बात है तो ऑफिस में तो एजेंट होगा, एजेंट को भेज दें। तो चाहे ये अपने सन को भेजें और सन जा करके सेलर से गुड्स खरीदे, या फिर एजेंट जा करके गुड्स खरीदे। तो कहने का मतलब है, ये पॉइंट नंबर थर्ड यही कह रहा है, वेदर बाय रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन, तो जब ये लोग गए तो ये पेमेंट जो है वो खुद करें या फिर किसी और तरीके से इसका पेमेंट करा दिया जाए। एक और बात समझिए, जैसे पेमेंट मेड की बात हो रही है, तो अक्सर दुकान पे आप देखते हैं कि जब आप जाते हैं तो अपना कहते हैं, भैया खाता खोल लो, बाद में हम पेमेंट कर देंगे, या हमारा दोस्त आएगा वो पेमेंट कर देगा, या हमारे फादर इसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आपने पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, रिसिपियंट हो गया, और जब अदर पर्सन के थ्रू पेमेंट करा दिया कि भाई हमारा खाता खोल लो, अभी मैं चाय पी कर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिस्टर एक्स वाई जेड मेरे दोस्त आएंगे, वो पेमेंट कर देंगे, तो ये भी एकदम क्लियर है। तो दोनों चीज़ें, अब आप तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। पहला, जो आपने मनी का पेमेंट कर दिया या फ्यूचर में वादा कर दिया, भाई किसके बदले में कर दिया, जो आपने रिस्पांस लिया है, किस चीज़ पर रिस्पांस कर रहे हैं, जो गुड्स आपको मिल रहे हैं, हवा में दान पानी नहीं कर रहे, और ये जो पेमेंट किया जा रहा है, ये पेमेंट चाहे आप खुद कर दें, चाहे अपने एजेंट के थ्रू करा दें, या घर के किसी बंदे के थ्रू पेमेंट करा दें। तो अगर हम यहाँ सेलर की नज़र से देखें तो आप कहेंगे, सर अगर हम सेलर हैं तो इसका मतलब, कंसिडरेशन का मतलब है कि हमको जो भी पैसा मिल रहा है गुड्स के बदले में, वो सब हमारे लिए कंसिडरेशन है, वो सब हमारे लिए प्रतिफल है, इसका मतलब तो सर यही हमारी समझ में आया। बिल्कुल गलत, सब नहीं, सब पैसा जो आपको मिलेगा वो नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी वो नहीं, सब्सिडी को आप कंसिडरेशन के पार्ट में नहीं रखिएगा। मैं लगातार देख रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट्स अभी लेट आए हैं, मैंने बहुत कोशिश करी है और बहुत ईमानदारी से कंसिडरेशन के अलग अलग पार्ट्स और पॉइंट्स को पहले बताया है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है अभी नोट के आगे पॉइंट एग्जाम्पल थोड़े क्लियर ना हो, तो एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैंने काफ़ी ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश करी है, जिससे कि प्रॉब्लम दूर हो सके। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई किसी पॉइंट में, तो पूछिए, मैं फिर से और ईजी तरीके से बताता हूँ। नाउ योर टर्न। तो क्या मैं ये मान लूं आप इजाजत दे रहे हैं मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, अब आते हैं इसके आगे जो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स है, मैं इस नोट्स के ऊपर आता हूं। एनालिसिस विद एग्जांपल, ये सब चीजें मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताई थी, उन्हीं एग्जांपल को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको मैं भी बता देता हूँ। कंसिडरेशन कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मैंने क्या बताया कि पैसे में उसका आप पेमेंट कर दीजिए या फिर नॉन मॉनेटरी पेमेंट कर दीजिए, नॉन मॉनेटरी के लिए या फिर पार्शियल कर दीजिए, कुछ पैसा पेमेंट कर दीजिए, कुछ पैसा हम बाद में दे देंगे। आप कोचिंग पढ़ने के लिए गए, टीचर को आपने पैसा दे दिया तो मॉनेटरी हो गया, नॉन मॉनेटरी हो गया, सर आपने हमको पढ़ाया वेरी गुड, अब इसके बदले में जो मैं प्रतिफल दूंगा, कंसिडरेशन दूंगा, आप अगर पैसा लेना चाहें तो पैसा ले लें, और आपका बच्चा जो क्लास थर्ड और फोर्थ में नर्सरी में पढ़ता है उसको आपको ट्विटर की ज़रूरत थी तो मैं उसको फ्री पढ़ा देता हूँ, आपने मुझको पढ़ा दिया, मैं आपके बच्चे को फ्री पढ़ा देता हूँ, तो हिसाब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही चीज़ है कि पैसा दे सकते हो, और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की बात यहाँ पर करी गई। तो पॉइंट नंबर ए है, मॉनेटरी कंसिडरेशन इंक्लूड पेमेंट बाय द चेक, चेक दो, कैश दो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू दो,
और नॉन मॉनेटरी में पहले ही आप जाते थे बार्टर सिस्टम और पार्ट एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर आपने कोचिंग की फीस पूरी दे दी, ये सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पर आपने उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दिया तो भी आपका कंसिडरेशन हिसाब पूरा हो गया। एनी डाउट? नो सर। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स। मैंने अभी ही बताया था कि किसके रिस्पेक्ट में ये दिया गया और किस चीज के रिस्पॉन्स में आपने इन आइटम को दिया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या कहा था कि आपसे लोग यही कहें क्यों भैया दान में दे रहे हो इतना पैसा, या तुम चैरिटी कर रहे हो किसी तरीके से बांट रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये? तो आपको बताना था कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं, हम दान में नहीं दे रहे हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक है किस चीज से जो हम कुछ परचेज कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट लिंक वर्ड यूज आया ना, किस चीज में? सप्लाई और कंसिडरेशन। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक हाथ से हम गुड्स को ले रहे हैं और दूसरे हाथ से उसके बदले में हम पेमेंट दे रहे हैं। देन इंड्यूसमेंट मीन्स, जब इसमें इंड्यूसमेंट किस चीज के रिलेशन में, मीन्स टू गिव समथिंग टू अ पर्सन सो डैट ही विल डू समथिंग एल्स इन रिटर्न। तो मैंने क्या बोला था हिंदी में कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कब प्राप्त कर रहे हैं? जब आप किसी चीज को कुछ दे रहे हैं। तो अब आपको बैठे बैठाए कोई आइटम मिल गया और आप बड़े खुश हैं आपने प्राप्त किया, तो ऐसा थोड़ी है, ये तो गिव एंड टेक है। एक हाथ से आपने प्राप्त किया तो दूसरे हाथ से आपने उसको पे कर दिया, इसीलिए टर्म होता है यहाँ पर इंड्यूसमेंट। मैंने इंडिविजुअली पूरा टर्म आपको बताया। सर अगर हम इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से कर लें, हाँ क्यों ना कर लें। देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप ही के लिए बनाया गया एग्जाम्पल। तो क्या एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन, रेस्टोरेंट ऑफर्ड फ्री मील्स टू ड्राइवर्स ऑफ बसेस कैरिंग पैसेंजर एज एन इंड्यूसमेंट टू ब्रिंग पोटेंशियल कस्टमर टू हिज बिजनेस। तो ध्यान से देखिए यहाँ टर्म यूज हो रहा है पोटेंशियल कस्टमर, खाली कस्टमर वर्ड यूज नहीं हो रहा। ये हमारा एक बना हुआ एक ढाबा है रोड के किनारे, करेक्ट, और हम लोग इस ढाबे पे बैठ करके क्या करते हैं? अरे ढाबे में क्या करोगे, दाल चावल यही सब बेच रहे हो। तो ये हमारा एक हो गया क्या, ढाबा रोड किनारे, सबने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। और इस जगह पर लोग आते हैं अपना खाना खाने के लिए, मतलब फूड के लिए। तो अब ये रोड के किनारे है, अब यहाँ पर अगर कोई फूड के लिए है तो क्या होगा, ये रोड जा रही है, तो रोड में से तो बेटा यहाँ से जाने वाली तो कितनी सी बसें होंगी जो चली जाती हैं और यहाँ पर नहीं रुकती, और इन सब के अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं और ये सब लोग चले जाते हैं। तो जब ये सब चले जाते हैं तो हमारे यहाँ नहीं आते, तो हमारे यहाँ तो बेटा फिर खाना तो फिर कोई नहीं खाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, जो यहाँ पर बैठा हुआ ड्राइवर है हमने इसको ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दे दिया कि भाई फ्रूट जो है तुमको हम देंगे। वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमको फ्री में फ्रूट देता हूँ, तुम खाना खा लो। तो अब ड्राइवर रास्ते में जा रहा है तो भूख लगेगी, वो खाना खाने के लिए उतरेगा, अपनी गाड़ी रोकेगा। अब जैसे गाड़ी रोकेगा खाना खाने के लिए उतरेगा, उसको फ्री में सारा खाना मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जितने भी ये बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो नीचे उतरेंगे। अभी ये नीचे उतरेंगे तो उम्मीद है, तो इनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, पोटेंशियल कस्टमर। अभी पोटेंशियल कस्टमर है। सर पोटेंशियल कस्टमर आप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दो बातें हैं, कुछ लोग जो हैं वो उतरें और उतरने के बाद में टॉयलेट जाएं और टॉयलेट जा करके वापस आके बस में बैठ जाएं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब बल्कि कुछ लोग जो हैं उनको भूख लगी हो, वो वास्तव में हंगरी हो, तो जो लोग हंगरी होंगे वो क्या करेंगे, आएंगे और आ करके हमारे ढाबे में बैठ करके क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो पोटेंशियल कस्टमर और कस्टमर में देखो डिफरेंस हो गया। कस्टमर वो है जिसने हमसे गुड्स को आकर के परचेज कर लिया, और पोटेंशियल वो है जो इन फ्यूचर हमसे ले सकता था।
हमारी मार्केट की टेक्निक ही ऐसी होती है कि हम पोटेंशियल कस्टमर को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें। अब ये बताइए, क्या ये चीजें आपको कुछ समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये ध्यान देना है सर, ये सब बातें तो हमें आपकी समझ में आ गई, जरा सा हमको ये बताइए कि अभी अगर इसमें से हम इस कस्टमर को सबको गायब कर दें और खाली ड्राइवर हो, तब तो ये पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। जब पोटेंशियल नहीं होगा तो ये तो ना टॉयलेट जाएंगे और ना खाना खाने आएंगे। तो सर इस तरीके से तो कस्टमर तो नीचे उतर कर आया ही नहीं। तो सर ड्राइवर को जो हम फ्री फूड देंगे तो ये सब तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस सर। बेटा ये देखो, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पैसेंजर टू द फूड आउटलेट। अगर बस खाली हो, एम्प्टी बस हो, तो हम पैसेंजर को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये गिव एंड टेक का जमाना है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। ड्राइवर से वो कहेंगे, हमने तुमको फ्री में खाना दिया है, तो ये फ्री खाना नहीं है, तुम इसका प्रतिफल हमको इनडायरेक्टली दे रहे हो। इनडायरेक्टली देने का मतलब तुम हमको पैसेंजर दे रहे हो, हम उनसे पैसा ले ले रहे हैं, उन्हीं में से हम तुम्हारी कॉस्ट निकाल ले रहे हैं। तो आप इस बात को समझ गए कि पेमेंट चाहे डायरेक्ट लिंक से हो या इनडायरेक्ट से हो, कंसिडरेशन होना जरूरी है। बताइए, नहीं समझ में आया आ गया सर। या मैं थोड़ी और गहराई से बताऊं? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज एक्सप्लेन करना है बेटा? क्या सर यही जो अभी बता रहे थे बता रहे थे? हाँ सर, ये पोटेंशियल कस्टमर। मैंने क्या फोटो बनाई थी, उस फोटो में तुम्हें क्या समझ में आया था? सर वही तो आया, नहीं वही पूछना है। फोटो यस फोटो में कुछ दिखाई दिया था? कम से कम मुझे ये तो लग जाए कि जो मैं फोटो बनाता हूँ वो सर, दिखाई भी देती, समझ में आती कि नहीं। जो फोटो बनाई यस थी क्या बनाया था? सर, एक गाड़ी थी उसमें कस्टमर थे, मैं ठीक है, और दूसरी तरफ ढाबा बस। था, तो यस सर, फिर गाड़ी में से कौन उतरा था? सर ड्राइवर, और ड्राइवर के बाद कौन उतरता है? सर उसमें जो बैठे होते हैं। पैसेंजर बोलते हैं उनको। तो यस सर, जो पैसेंजर उतरेंगे, ड्राइवर उतरेंगे, ढाबा में खाने खाने जाएंगे, तो ढाबा जो है किनको फ्री में खाना देगा? सर ड्राइवर को। मगर वो फ्री में खाना नहीं होगा। क्यों फ्री में खाना नहीं होगा, तुम क्यों सर? बताओ ना, क्यों फ्री में नहीं होगा? सर जब ड्राइवर उतरेगा नहीं तो पैसेंजर भी नहीं उतरेंगे। हेलो, क्या कह रही हो? सर जब ड्राइवर रुकेगा नहीं तो पैसेंजर भी नहीं उतरेंगे। हाँ, क्योंकि ड्राइवर ने उसको उतनी देर का ढाबे वाले को बिजनेस दे दिया, तो इसके बदले में उसको फ्री में खाना मिल गया। और अगर बस में पैसेंजर हो ही ना, यस सर, तब मिलेगा फ्री में खाना? नो सर, क्यों? क्योंकि उसको पैसेंजर है सर, पता नहीं। अरे सड़क वड़क पर जाती हूँ, दुकान है, दिमाग थोड़ा दिया हो, खुद सोचो ना। पहले वाले में ड्राइवर को क्योंकि सर खाना वो क्यों खुद दे ही रहा खाना था? खाएगा, पैसेंजर उसमें है ही नहीं जो वो खाना खाएंगे। हाँ, बस आ गया तुमको समझ में, बस यही बात है। यस ड्राइवर सर, को, ड्राइवर को जो ड्राइवर है, जो एक मिनट, जो हमारा ड्राइवर है, DRIVER मैं लिख लेता हूँ, जो हमारा ड्राइवर है उसको खाना दो बातों में मिलेगा। एक बात में उसको फ्री खाना मिलेगा और दूसरे में उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब वो उसके लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, तो जो फ्री खाना है वो एग्जैक्टली फ्री नहीं होता, क्योंकि इसके बदले में वो ड्राइवर उस ढाबे वाले को क्या ला करके देता है? पैसेंजर्स। ठीक है,
तो जो पैसेंजर ला करके देगा तो यही पैसेंजर उस ढाबे वाले से गुड्स खरीद लेंगे, तो यहाँ पर गिव एंड टेक हुआ और यही पैसेंजर जो है वो रिटर्न का पार्ट करेंगे। मगर अब जब बात आती है कि ड्राइवर को पेमेंट करना पड़ेगा, ड्राइवर कैश में पे करेगा, क्यों पे करेगा, ड्राइवर को पे तो करना ही करना है, या तो वो पैसेंजर के रूप में पेमेंट करे या वो कैश के रूप में पे करे। अगर वो अपनी बस भर के लाएगा तो वो पैसेंजर के हिसाब से पेमेंट करेगा, मतलब कंसीडरेशन तो होना ही होना है। क्लियर? उसको कहने के लिए तो खाना फ्री था, मगर एग्जैक्टली क्या बेटा उसका खाना ये फ्री था? क्या एग्जैक्टली वो खाना फ्री था? नो सर, नहीं था। बस अंतर ये इनडायरेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, जब फ्री था तो फ्री में भी वो बदले में दे रहा था। क्या बदले में दे रहा था? वो इनडायरेक्टली पेमेंट कर रहा था कैश पैसेंजर के थ्रू, और जब पैसेंजर नहीं लाया तो वो कैश में पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब भी नहीं आया समझ में? फिर समझाऊं? आ गया सर। भैया ना समझ में आया? आ गया सर, आ गया। जो बच्ची पूछ रही थी क्या नाम था उसका? सर अंजू। हाँ अंजू बताइए, फिर समझाऊं? नो सर, आ गया। अच्छा इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, डोनेशन पे। सर ये डोनेशन का क्या मतलब है? चंदा आपने किसी को दे दिया तो डोनेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन। क्यों भाई ये कंसिडरेशन नहीं है? डोनेशन, अब समझो तुम मार्केट में क्या कर रहे हो? सर हम चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। तब तक का सड़क किनारे तुमको एक बैठा हुआ भिखारी दिखाई दिया जो जरूरतमंद था, ठीक है? ये भिखारी जो है वो तुमसे मान लो कुछ मांगेगा या नहीं मांगेगा तुम समझ जाओगे ना, तुमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है तुमसे? कुछ पैसे। तो तुम अब यहाँ पे इस जगह पर अगर तुम कुछ पैसे दे दोगे तो अगर तुम पेमेंट कर दोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वन वे ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास से चीजें जा रही हैं, जा रही हैं, आ नहीं रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ जा रही हैं, सिर्फ जा रही हैं, डोनेशन में जा रही हैं, आ नहीं रही हैं। मानते हो कि नहीं? यस सर। तो कंसिडरेशन टू वे है, जाना और आना, उसका रिटर्न आएगा तब कंसिडरेशन होगा। तो डोनेशन अगर दी गई तो ये कंसिडरेशन के लिए नहीं है, टू वे ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तब तक आप कहेंगे कहाँ सर, अगर हम भिखारी को दान देते हैं तो हमें दुआ नहीं देता है, दुआ नहीं लगती उसको हमको? हाँ बेटा दुआ तो लगती है, मगर हम पैसे के टर्म में बात कर रहे हैं, दुआ को तुम पैसे में कैसे कन्वर्ट कर लो, कर लोगे नहीं कर लोगे, इसलिए हम कंसिडरेशन में इसको नहीं रखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये थर्ड वाला पॉइंट, ये सब थ्योरी में स्टोरी में आपको समझाया था, फिर से रिपीट कर लिख लीजिएगा। कंसिडरेशन एज मे फ्लो बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, ये बताया था ना, खुद जाके पैसा दे दो, ब्रेड खरीद लाओ या अपने बच्चे से पेमेंट करवा दो, तो ये वो वाला पार्ट है। अच्छा अब हम आगे आते हैं इसी का आगे का, ये तो एग्जांपल के थ्रू समझाया था। केस ए मैंने आपको बताया था कि जब हम ये केस ए किससे रिलेटेड था, जब आप जो है उसको सीधे सीधे पे करते हैं या पेमेंट करने का वादा करते हैं। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर बी पे, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कर ये लिखी हुई भाषा तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बुकी से एक तो लैंग्वेज है, तो कोई बात नहीं आपके लिए, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हम इसको यहाँ फौरन उठा लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास लास्ट 5 मिनट अभी बचे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, फिर आपको रिकॉर्डिंग शाम तक मिल जाएगी। आप देखिएगा आज कंसिडरेशन बहुत बढ़िया कवर अप हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल है, मिस्टर प्रवीण ए पार्टनर ऑफ ए बी एसोसिएट्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, enter into the non-competence agreement with Mr. Praveen for 5 years against the consideration of 1 crore. In this case, forbearance on a part of Mr. Praveen is either not to carry a competitive business becomes a taxable supply and thus liable of GST. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो प्रवीण हमारे पास थे वो बिजनेस में हमारे पास एक पार्टनर थे और साथ ही में क्या हो गए, ये रिटायर हो गए, बिजनेस छोड़ के चले गए। तो क्या हो सकता है कुछ सोचो, हमारे पास ए बी और प्रवीण पार्टनर थे,
प्रवीण ने क्या किया, पार्टनरशिप छोड़ दी, और पार्टनरशिप छोड़ करके वो चले गए, और जाने के बाद में ये दूसरी प्लेस पर चले गए, या फिर वहीं कहीं अगल बगल इन्होंने फिर से प्रवीण ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बेटा अगर इन्होंने अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर दिया तो बाकी बचे हुए जो ए बी हैं इनके बिजनेस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस तरीके से ए और बी के बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। ए और बी क्या करेंगे, प्रवीण के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे कि आप कहीं और कोई बिजनेस मत करिएगा, क्योंकि अभी ये बिजनेस चल रहा है, आपको इसका सारा तरीका पता है। तो इस जगह पर भी ये कंसिडरेशन का पार्ट होगा, और इसके ऊपर जो है टैक्स जो है वो बेटा चार्ज किया जाएगा। आगे इसी को ही और इजी भाषा में लिखा गया है, वेदर बाय द रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन, चाहे मिस्टर प्रवीण जो है वो खुद इस बात का वादा करें कि हम आगे से काम नहीं करेंगे, या मेरे घर का बच्चा इस कोई काम को नहीं करेगा, इस टेक्नोलॉजी को नहीं करेगा, ना मेरे कि ना मैं ना मेरे किसी एजेंट या बच्चे के थ्रू, ठीक, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट। बार बार ये वाला पॉइंट आता है, डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज अगर दी गई है तो वो इसके इन्वॉल्वमेंट का पार्ट नहीं होगा। सर थोड़ा और एग्जाम्पल देकर अगर समझा देते तो समझिए, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में टुंडे कबाबी है, टुंडे कबाब जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, ब्रांड हो चुका है। इसी तरीके से KFC जो चिकन है वो एक ब्रांड हो चुका है। अब मान लो टुंडे का कोई एक पार्टनर अगर हट जाए और जा करके बाराबंकी में, सीतापुर में टुंडे के नाम से फिर से काम करने लगे, तो बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का एक पार्टनर था, या कुछ थोड़ी दूर पे जाकर काम करने लगे तो फर्क पड़ेगा। तो बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे डील कर लेते हैं कि आप ये बिजनेस मत करिएगा, इसके बदले में हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर टू वे ट्रांजेक्शन हो गया, एक तरफ वादा मिला हम काम नहीं करेंगे और उसके रिटर्न में उनको पैसे मिल गए, तो कंसिडरेशन हो गया, मगर इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात नहीं करी जाएगी। और फिर चलते चलते आखिरी में, प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, तो देख लो जो भी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, जो सप्लाई की बात होगी सेल्स, तो वो गुड्स से रिलेटेड भी बात हो सकता है और वो सर्विस से रिलेटेड बात हो सकता है, या फिर वो दोनों ही चीजों से बात हो सकता है। सर दोनों चीजें मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि जब बेटा कोचिंग पढ़ने के लिए गए तो खाली जो है क्या हुआ, आपने सर्विस ली और आपने जगह उनसे फीस दे दी। स्टेशनरी के शॉप पे गए, आपने बुक्स और स्टडी मटेरियल ले लिया तो पैसे दे दिया। अब कोचिंग पढ़ने गए, कोचिंग वाले ने ही आपको अपनी बुक्स और स्टडी मटेरियल दे दिया और साथ में अपने पढ़ाने के लिए फीस ले ली, तो ये दोनों ही चीजें आ गई। बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पेमेंट मेड फॉर सब सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। ये सबसे लास्ट में है कि ये सब चीजें तो इंक्लूड होती हैं, मगर अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन, क्या मतलब सर, जो ये पैसा आपने दिया है वो आपका जो कोचिंग मास्टर था, आप तो फीस कह कह करके दे रहे थे और उसने इसको फीस कंसीडर नहीं किया, उसने ये माना कि तुमने जो पिछले साल उधार लिए थे उसमें से ये पैसे कट रहे हैं, तो इस हालत में ये कंसिडरेशन नहीं होगा। कंसिडरेशन तभी होगा कि जब आप पढ़ रहे थे फी दे रहे थे, या दुकान से गुड्स खरीदा तो पैसा दिया, तो अगली पार्टी भी उसको उसी रूप में ले, पिछले उधार को मान करके अगर इस डिपॉजिट को लोग एडजस्ट करेंगे तो ये कंसिडरेशन नहीं है। सो क्लास आज का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन।